हाय दोस्तों, हरर गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारी इस नए वीडियो पे। अभी हम माँ गंगा के लाइव दर्शन कर रहे हैं और जल की धारा आप देख रहे हैं कितनी तेज है। सामने भगवान शिव की ऊंची मूर्ति और माँ गंगा की तेज बहती जल की धारा जो कि काफ़ी तेज है। चलते हैं, आपको हर की पैड़ी का दृश्य दिखाएंगे। हर की पैड़ी का जो दृश्य है अभी आपको भीड़ वाला दृश्य देखने को मिलेगा। और साथ में जब भी हम हरिद्वार की प्लानिंग करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जरूर जाननी चाहिए, खास तौर पर हर की पैड़ी के आसपास प्रमुख चीज़ें क्या है, आप कहाँ कहाँ घूम पाएंगे और स्टे आप कहाँ पे करेंगे। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आपको डॉर्मेटरी लेनी चाहिए, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको कहाँ पे रूम लेना चाहिए। सारे चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और फ्री रहने खाने का भी सुविधा बताएंगे, जहाँ पे आप दो दिन तक फ्री रहना खाना और साथ में 16 संस्कार यानी जन्म से मृत्यु तक के संस्कार आप निःशुल्क करा सकते हैं, जिसमें मुंडन की विधि। सबसे पहले हम आपको हरिद्वार में जो परिवर्तित हो चुका है मौसम वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी तेज धूप है और कुछ लोग यहाँ पे जो छतरियाँ लगी हुई है जैसे कि वो लगी है, यहाँ पे कुछ देर विश्राम करना चाह रहे हैं, कुछ देर खड़ा होना चाह रहे हैं, जो कि वहाँ पे ज़्यादा देर वो खड़ा नहीं हो पाएंगे। एक ही है जो कि आपको ये लिखा हुआ है गंगा सभा रजिस्टर्ड, इसके नीचे ही कुछ लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। देख रहे हैं ये यहाँ की पूरी जानकारी है जो कि आप जरूर पढ़ें। हर की पैड़ी आते हैं जैसे कि गंगा घाटों पे गुटखा तम्बाकू या फिर शराब लाना वर्जित है, तेल और साबुन तो लगाना बिल्कुल ही यहाँ पे वर्जित है। चलते हैं, आपको और भी जानकारी देते हैं। खासतौर पर हर की पैड़ी के आसपास आप स्नान करना चाह रहे हैं तो चेंजिंग रूम कहाँ पे, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम है वो यही घाट है, मालवी घाट। देख रहे हैं काफ़ी सारे चेंजिंग रूम आपको यहाँ से दिखाई देगा और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से स्नान करता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं गहरे जल पे जाके स्नान करते हैं, कुछ लोग बैरियर क्रॉस करके स्नान करते हैं, तो बैरियर क्रॉस ना करें, जंजीर पकड़ के अंदर ही स्नान करें ताकि आप सुरक्षित स्नान कर सकें। काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारे कमेंट आते रहता है होटल धर्मशाला डोरमेट्री को लेके, तो हरिद्वार में होटल धर्मशाला को लेके आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। बस मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी तेज़ धूप हो रहा है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको छाता एक जरूर लाना चाहिए, अगर नहीं लाते तो यहाँ पे ले सकते, क्योंकि लगभग 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आपको काफ़ी तेज़ धूप का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। और हर की पैड़ी के आसपास जैसे कि हमने आपको बता दिया छाँव की सुविधा नहीं के बराबर है, और आप अगर छाँव में बैठना चाह रहे हैं कुछ देर विश्राम करना चाह रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में वो घाट भी दिखाएंगे, हर की पैड़ी से कितना दूर है ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसे नाम हम आपको पहले ही बता दें, शिव घाट जहाँ पे चेंजिंग रूम की सुविधा है, मूर्ति है भगवान शिव की, जहाँ पे स्नान करने के बाद आप जल अभिषेक भी कर सकते हैं, और तीसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे छाँव आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे वृक्ष लगे हुए हैं। सामने आपको जो घाट दिखाई दे रहा है ये है सुभाष घाट, ये प्रमुख जल की धारा है जो जंजीर आपको दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग स्नान करने के जो तरीका है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से स्नान कर रहे हैं। अधिकतर लोग इस तरह के जो स्नान करते हैं वो लोकल होते हैं और काफ़ी सारे लोग इन्हीं लोकलों को देख के वो भी ऐसा करने का सोचते हैं और उन्हें चोट लग जाता है। देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर सामान ले भी आते हैं, सुबह आके शाम तक ही वापस चले जाते हैं। ऐसे में आप सामान को लेके हर जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आपको होगी, तो आप लॉकर की फैसिलिटी का लाभ लें। नई घाट में लॉकर की फैसिलिटी है, साथ में हर की पैड़ी में जब प्रवेश करते हैं तब आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगा। ये गंगा घाट के पास का दृश्य आपको बता रहा हूँ, और आप जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो भी आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगा, और रेलवे स्टेशन में तो मिलता ही है वो आपको पता ही है। ऐसे हमने लॉकर का भी दृश्य के साथ वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उसमें भी वीडियो के माध्यम से दृश्य देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे लॉकर एग्जैक्ट है। जल की धारा कभी कम तो कभी ज़्यादा होते रहता है, भीड़ अभी आपको पूरी हफ्ता देखने को मिलेगा, संडे को सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे जाम लग जाते हैं, तो जाम से अगर बचना चाह रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था आप जानना चाह रहे हैं तो अभी वीडियो बने रहे, हम आपको दिखाएंगे। हम आ चुके हैं शिव ब्रिज में और आप देख रहे हैं शिव ब्रिज का दृश्य, सामने जो लोग आ रहे हैं ये सारे पार्किंग से आ रहे हैं, इधर दो
पार्किंग है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग है, दूसरा है जो कि रेड़ी वाला के नाम से जाना जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे नज़दीक पार्किंग रेड़ी वाला है जहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे टैटू बनवाया जा रहा है, काफ़ी सारे लोग छाता लेके बैठे हुए हैं क्योंकि तेज़ धूप है, जलने वाली धूप आज महसूस हो रहा है। ये हम आ चुके हैं शिव घाट पे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था एक छांवदार घाट बताएंगे जहाँ पे आपको कुछ देर बैठने का सुविधा मिल सके। देख रहे हैं यहाँ पे छांव है, पेड़ लगे हुए हैं, भीड़ भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा क्योंकि लोग यहाँ पे कुछ देर विश्राम करते हैं। देख रहे काफ़ी सारे पेड़ आपको लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। यही शिव घाट है जहाँ पे चेंजिंग रूम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं और काफ़ी सारे लोग छांव में विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पे एक कुटिया भी बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं वट के वृक्ष के नीचे। यही वो घाट है और यहाँ से हरकी पैड़ी के दूरी 300 मीटर होगा तो आप आराम से पैदल जा सकते हैं। अधिकतर श्रद्धालु जो पंचदीप पार्किंग की नहीं जा सकते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में अपनी कार पार्किंग करते हैं, वो इसी मार्ग से होके जाते हैं क्योंकि पंचदीप पार्किंग जस्ट अपोजिट दिशा में है, वो भी हमने आपको बता दिया है। आप ऋषिकेश की अगर प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, हमने वीडियो बना रखे हैं सारे सुविधा के साथ, धर्मशाला, होटल, राम झूला, जानकी झूला झूला और साथ में हमने आपको लक्ष्मण झूला का भी वीडियो बना के रखा है, तो आप जाके जरूर देखें और पूरी जानकारी ले और आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। संडे को खासतौर पर ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें अब होने वाली है। अगर आपने कल का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, हरिद्वार में भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है और इसी केस में इससे डबल और ट्रिपल जाम देखने को मिलता है। आरती का समय जरूर ध्यान रखें, जब आप हरिद्वार आते हैं तो 6:30 आरती का समय है, 2 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा घाट पे। ये जो मार्ग दिख रहे हैं ये ऋषिकेश बाईपास के नाम से जानते हैं इस मार्ग को और लोग इसी मार्ग से होके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।